नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट टीचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकेंड। इन फर्स्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन by middle term splitting methods or factorization method, and in this video I am going to explain solve the quadratic equation by discriminator method या quadratic formula methods। तो ये चलते हैं, देखते हैं quadratic formula method क्या है। quadratic formula method, quadratic फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स होता क्या है। फर्स्टली फर्स्ट पॉइंट, वन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल इक्वेशन कहिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए। तो इस कंडीशंस में हमें डी की वैल्यू निकालनी होती है। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डी की वैल्यू जो होती है, फर्स्ट पॉइंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है। तो अब इस कंडीशन हमें फर्स्टली फाइंड कीजिए कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर एस। अब सेकेंड कंडीशन, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल रूट, रियल रूट। अब रियल रूट्स है तो कौन कौन से रूट होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, ये आपका कंडीशन है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल एंड इक्वल इसकी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, आल्सो विल बी टू ए, क्लियर, माइनस बी अपॉन टू ए। थर्ड कंडीशन, इफ d इज लेस देन जीरो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग नॉन रियल रूट, नॉन रियल रूट, क्लियर। तो इन दिस चैप्टर दिस एक्सरसाइज, दिस इज द इंपॉर्टेंट, द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, हाउ विल सॉल्व द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। After that, if d is greater than 0, the quadratic equation having real root. So, real root x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a. Second condition, if d is equal to 0, the quadratic equation having real and equal root. So, x is equal to minus b upon 2a. Next condition, third condition, if d is less than 0,
means negative, less than zero means negative, the quadratic equation having non-real root. अगर negative है तो non-real root करके find कर सकते हैं. अगर exist करता है equation को exist करेगा तो आपका या तो d is greater than zero होगा या d is less than zero होगा. d is greater than zero या d is equal to zero, less than पर non-real root होता है. ठीक है, तो इससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी के बेस पर जो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, सो अब वन क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व. One question I am taking from the books, कि how will use quadratic formula methods. So find the zero of the following quadratic polynomials if they exist. अगर exist करता है तो इसको by quadratic formula method. The exercise 4.3 का first questions का first part given 2x square माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन. वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डी मेथड. इसको डी मेथड भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं. तीनों तरह से कह सकते हैं, डी मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड्स या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड्स. सो फर्स्टली आई टू फाइंड ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 7, सी इज इक्वल टू 3. क्लियर, नाउ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी. तो d इज इक्वल टू माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3. d इज इक्वल टू 49 माइनस 24, तो d इज इक्वल टू 25. अब d की वैल्यू 25 मीन्स d इज ग्रेटर देन 0. हियर यू हैव टू राइट d इज ग्रेटर देन 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग quadratic equation having real roots, real, the quadratic equation having real roots. अब real root है तो हमें इसके बारे में फॉर्मूला आ जाए हमारे पास, x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a. अब पुट कर दीजिए वैल्यू को, माइनस इंटू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 25 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2. एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4. नाउ टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, so x is equal to 7 plus 5 upon 4, x is equal to 12 upon 4, x is equal to 3. x की वैल्यू होगी, after that taking negative sign, taking
नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, x की वैल्यू आपकी इस तरह से आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 1/2 आ गई। इस प्रकार से हम इसको डिस्क्रिमिनेट मेथड का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए दो बार तीन बार, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आप थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं और बहुत इजी मेथड्स हैं। वन क्वेश्चन रिटेन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.1। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको आपको सॉल्व कर बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 6 प्लस 2x माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 7 इक्वल टू 0। नाउ डिग्री इज इक्वल टू 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको बता सकते हैं। तो इक्वेशन को पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि हम किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, तो कंडीशंस आपको याद रहना चाहिए। तो अब इस एक्सरसाइज में हमने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डी मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट कंडीशंस, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल रूट, इफ डी नॉट इज इक्वल डी इज इक्वल टू 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट, एंड डी इज लेस देन 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग नॉन रियल। इस प्रकार से हम जो है इसके सारे वैल्यू को पहले फाइंड कर लेंगे। रियल रूट है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 का फॉर्मूला है, उस पर पुट कर लेंगे। अगर कोई d की वैल्यू 0 आता है तो हम उसके स्थान को माइनस x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 लिख लेंगे। रियल एंड इक्वल का मतलब कि डबल दोनों रूट क्या होगा, इक्वल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसको बार इस क्वेश्चन को दो बार तीन बार चार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व कीजिए, फिर कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो बताइए, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा, ठीक। तो अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।